हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए अब फाइनली जिस बात का इंतजार मैं आप हम सब लोग मिलकर कर रहे थे कि एचआर कब पवन के साथ नेक्स्ट गाना लेकर आ रहे हैं, तो वो गाना अब लोगों के सामने आ रहा है। 3 तारीख को आपके सामने 11:11 पर एंजल टाइम पर आ रहा है और इसी गाने के साथ हिमेश रेशमिया ने अपनी अर्धशतक पूरी कर ली है। यानी कि अभी तक वो ऐसे 50 गाने ला चुके हैं जिसमें कि पवन के सॉन्ग्स हैं, अरुणिता के सॉन्ग्स हैं, साइली के हैं, दानिश के हैं, साथ ही में निहाल के हैं, आशीष के हैं, अमित तमाम और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सॉन्ग्स वो लेकर आ रहे हैं। तो अर्धशतक पूरी हो गई है। जो टाइटल रखा गया इस गाने का वो है तू ही है सनम। सो इट साउंड्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल रोमांटिक नंबर। और जब मैं उनसे मिली भी थी, मैंने आपको ऑलरेडी स्टोरी करके बताया भी था, उन्होंने टाइटल ट्रैक कुछ और नाम से बताया था। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि अब ये 2 सॉन्ग्स हैं कि एक ही सॉन्ग है या नाम चेंज कर लिया गया है। हालांकि इससे मुझे कोई फर्क पड़ नहीं जाता है क्योंकि एज लॉन्ग एज पवन का गाना हिमेश रेशमिया लेकर आ रहे हैं मैं बड़ी खुश हूं। चलिए भाई, इट इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेटिंग फॉर, और ये गाना आपके सामने आ रहा है। ऑल द बेस्ट तो बनता है यार पवन को भी और एचआर को भी। इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका क्या कहना है, एचआर के लिए क्या कहना है, पवन के नए गाने के लिए क्या कहना है, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।